वेलकम बैक टू माय चैनल तिवारी स्मृति। मैं आज उड़द दाल के दही वड़े बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैं उड़द दाल को 3 घंटे पहले भिगो कर रख चुकी थी। इसे साफ करके पानी इसका निकाल कर अब मैं इसे ग्राइंड करने जा रही हूँ और इसका मैं पेस्ट बनाऊँगी। तो ये मेरा पेस्ट बन चुका है। मेरा दाल आधा केजी के आसपास था, तो इसमें बहुत ज़्यादा पीस निकलते हैं। आधा केजी के आसपास में 20-25 पीस निकल जाएंगे। इसमें मैं गोल मिर्च डाल रही हूँ, गोल मिर्च पाउडर, और इसमें अब मैं ऐड करूँगी नमक, हींग। आप इसमें अदरक डाल सकते हैं, अदरक डालने से टेस्ट आता है, पर यहाँ पे पेट की समस्या इसलिए अदरक नहीं डालती हूँ मैं। तो यहाँ अदरक ज़रूर डालें, इससे आपका टेस्ट और अच्छा आएगा। और मैं इसमें हींग डाली हूँ और अब मैं इसको अच्छे से फेटूंगी 10 मिनट तक। इससे दही वड़े अच्छे अच्छे गोल गोल सेप तो अपने हाथ में है, पर फूलते बहुत अच्छे हैं, अंदर से पकते बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और वो अंदर से बिल्कुल स्पंजी टाइप के रहते हैं। तो ये मैं 10 मिनट तक फेट ले रही हूँ। अब मैं यहाँ दही ली हूँ, दही में हल्का पानी ऐड करूँगी, इसको पतला करूँगी। और इसमें मैं ऑलरेडी काला नमक डाल चुकी हूँ। अब मैं इसमें ऐड करूँगी लाल मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर। ये अपने स्वाद अनुसार डालें, तीखा पसंद है तो और ज़्यादा लाल मिर्च पाउडर डालें। देखिए, लाल मिर्च पाउडर घर का बनाया हुआ डालेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो पहले वही जीरा लाल मिर्च पाउडर को फ्राई करके मिक्सर में ग्राइंड कर लें। अब ये बैटर है और मैं कढ़ाई में से मैं तलने जा रही हूँ। तेल मेरा गर्म हो चुका है और ये सरसों का तेल में बनेगा। अब मैं इसमें दही वड़े तल रही हूँ। दही वड़े मम्मी जी बना रही हैं, क्योंकि मैं सारा तैयारी कर चुकी हूँ, वो अब तलेंगी। तो देखिए कितने सुंदर सुंदर दही वड़े दिख रहे हैं। हाँ, इसमें ना छेद करना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि अंदर तक पक जाए, इसलिए हल्का हल्का इसमें छेद कर दें। छेद मीन्स होल। अब अंदर तक ये पक जाएगा। मेरा दही वड़ा यहाँ देखिए तो सुनहरा कलर आ चुका है इसका। अब मैं इसे निकालूंगी, इसको गर्मी निकाल कर उस घोल में डाल दूंगी ताकि ये गले। अब मैं बाकी के दही वड़े भी तल लूंगी, तब तक ये दही वड़े रेस्ट करेंगे। ये फूलेगा जब तक जितना भीगो के रहेगा, तब उतना देर तक फूलेगा। तो मैं इसे ढक दे रही हूँ। अब मैं दूसरे दही वड़ा तल ले रही हूँ। देखिए, सारे दही वड़े ले और दिखने से भी बहुत सुंदर और बहुत बड़े बने हैं।